आइए दोस्तों, आज हम हिंदुस्तानी संगीत की गायन शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्रुपद, ध्रुपद क्या है दोस्तों? ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय घंट और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जनरुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसके शब्द अधिकतर ब्रजभाषा के होते हैं। ध्रुपद के चार भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोख। ध्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत को आरंभ किया जाता है और फिर लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लयकारियाँ दुगुण, तिगुण, चौगुण, पंचगुण, छठगुण तक की जा सकती है। ध्रुपद चार ताल, ब्रह्म ताल, तीव्रा ताल, सूल ताल, शिखर ताल, मत ताल आदि में गाया जाता है। ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग पर संगति की जाती है। ध्रुपद पूर्ण रूप से गमक मीड युक्त होता है। इसमें ख्याल के समान आलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा माना गया है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार राजा मानसिंह तोमर ने किया था। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता है। ख्याल, निष्ठ गायन शैली ख्याल। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। गीत की इस प्रकार में गायक को विशेष महत्व दिया जाने के कारण शास्त्रकारों ने इसे ख्याल की संज्ञा दी। ख्याल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कर्ण आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी विशिष्ट राग में उसके नियमों का पालन करते हुए भावों को प्रकट करते हैं, ख्याल कहलाता है। ख्याल में स्वरों की सफाई, गले की तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें गायक गमक का प्रयोग ध्रुपद धमार अंग इसमें गायक गमक का प्रयोग ध्रुपद और धमार अंग की अपेक्षा कम करते हैं। इसमें स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ख्याल गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल के दो प्रकार होते हैं, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल, जब ख्याल धीमी या विलंबित लय में गाया जाता है तो उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। इस गायकी के साथ तबले का प्रयोग होता है, अतः एक ताल, जप ताल, तिलवाड़ा ताल, चार ताल आदि का इस ख्याल गायकी के साथ प्रयोग किया जाता है। द्रुत ख्याल, यह द्रुत गति में गाया जाने वाला गीत है। इसे छोटा ख्याल भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा। यह ख्याल गायकी अधिकतर द्रुत एक ताल, तीन ताल, जप ताल, रूपक ताल आदि के साथ गाई जाती है। बड़े और छोटे ख्याल में प्रकृति और लय का अंतर होता है। द्रुत ख्याल की प्रकृति चपल और विलंबित ख्याल की प्रकृति गंभीर होती है। ऐसा माना जाता है कि विलंबित ख्याल गायकी का आविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने 15वीं शताब्दी में किया। द्रुत ख्याल गायकी का आविष्कार अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में कव्वाली के आधार पर किया। तराना, तराना गायकी में राग, ताल, लय का ही आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। तराना में नृतक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे तन दे रेना, धीम तदानी, दिया नारे आदि। ख्याल गायकी की तरह इसे गाते गाया जाता है। ख्याल गायकी की तरह इसे गाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थाई एवं अंतरा। कुछ गायक लयकारियों के साथ तानों का प्रयोग भी करने लगे हैं। प्राचीन काल में तान रस का, बहादुर का, नत्थु का इस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे।
तराने की गति मध्य लय से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अधिकतम गति में पहुंचकर लयकारी दिखाई जाती है। कुछ तरानों में कहीं तबला या पखावज के बोल भी रहते हैं। कुछ गायकों के मतानुसार तरानों के शब्दों का अर्थ उनके अनुसार, जिसमें बंदा खुदा से प्रार्थना करता है। धमार, धमार गायन शैली का एक प्रकार अन्य प्रकार है। इसके गीतों में ब्रज की होरी या ईश्वर भक्ति का वर्णन मिलता है। इसकी लय ध्रुपद गायन से कुछ चपल होती है। इसे धमाल भी कहा जाता है। इस गायन में लयकारियों को विशेष स्थान प्राप्त होता है। गमक युक्त आलाप व बोलतान का कुशलता से प्रयोग किया जाता है। धमार गायन के साथ धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। इस गायन की संगति पखावज वाद्य पर की जाती है। धमार गायन की शैली पखावज वाद्य पर की जाती है। लक्षण गीत, रागों के लक्षण गीतों के माध्यम से बताया जाना लक्षण गीत कहलाता है। लक्षण गीतों की शिक्षा से विद्यार्थियों को राग का परिचय सहज ही कंठस्थ हो जाता है। यह गीत भी ख्याल गायन की तरह गाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। लक्षण गीत सभी रागों तालों में बंधा हो सकता है। लक्षण गीत के आविष्कार और प्रचार का श्रेय पूर्ण रूपेण विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है। भजन, ईश्वर वंदना संबंधी गीतों को भजन कहा जाता है। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। भजन में भक्ति रस की प्रधानता होती है। भजनों को उनके भावों के अनुरूप विशिष्ट स्वर समुदाय में बांधकर गाया जाता है। अधिकतर भजन काफी पीलू भैरवी आदि रागों में सुनने को मिलते हैं। भजन तीन ताल, कहरवा ताल, रूपक ताल, दादरा ताल आदि में गाया जाता है। ठुमरी गायन की चंचल प्रकृति का रूप लिए ठुमरी रागों की शुद्धता की अपेक्षा भाव एवं सौंदर्य प्रदान होती है। इसमें गीत के शब्द कम होते हैं। शब्दों के भावों को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। ठुमरी में विभिन्न स्वर समूह, कण, खटका, मुरकी, मीड आदि का प्रयोग होता है। गायन की इस शैली में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। चंचल प्रकृति की गायन शैली राग भैरवी, खमाज, देश, तिलंग, कापी, पीलू आदि रागों में पाई जाती है गाई जाती है। इसके साथ दीप चंदी जत ताल बजाई जाती है। लंबित लय की ताल में गायन आरंभ कर ठुमरी गायक कहरवा ताल की द्रुत लय में गाते हैं, जिसे लग्गी लड़ी भी कहते हैं। ठुमरी गायन की दो शैलियाँ प्रचलित है। प्रथम पूर्वी अंग की ठुमरी जो लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और बंगाल में प्रचलित है। दूसरी पंजाबी अंग की ठुमरी से उस्ताद बड़े गुलाम अली खां द्वारा प्रचलित किया गया। गीत भाव संगीत का एक रूप है। जितनी भी कविताएं हिंदी भाषा में होती है उनको उनके भावों के अनुरूप स्वरों में बांधकर गाने को गीत कहते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर की लीलाओं से संबंधित कविताओं के अतिरिक्त जो साहित्यिक रचनाएं किसी ताल तथा स्वर में बांधकर गाई जाती है उन्हें हम गीत कहते हैं। गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। स्वर मालिका, किसी भी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को स्वर मालिका कहा जाता है। ख्याल गायकी की तरह इसके दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसे सरगम गीत भी कहते हैं। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को स्वर मालिका सिखाने का अभिप्राय यह होता है कि उन्हें स्वर ज्ञान, राग ज्ञान तथा ताल ज्ञान विशेष सुविधा से हो जाए। स्वर मालिका की रचना सभी रागों तथा तालों में हो जाती है।
पदम कर्नाटक संगीत शैली की विशिष्ट गीत शैली है। यह विलंबित लेखी गीत शैली है व गंभीर के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी गीत शैली के ध्रुपद गायन से साम्य रखती है। पदम में प्राय 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम, परंतु कलाकार अपनी इच्छा अनुसार पल्लवी या अनुपल्लवी से पदम का गायन प्रारंभ कर सकता है। पदम सभी रसों को व्यक्त करने वाले गीत से लिए भाव प्रदान होने के कारण पदम को नृत्य व अभिनय के उपयुक्त माना जाता है। इस गीत शैली में स्वर व शब्द रचना दोनों का संतुलन अपेक्षित होता है। इसमें राग भाव की अभिव्यक्ति करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। लगभग 14वीं शताब्दी तक पद गायन उत्तर भारत में प्रचलित था। जयदेव का गीत गोविंद ग्रंथ इस शैली में रचा गया। दक्षिण भारत में 15वीं शताब्दी में पुरंदरदास, कनकदास, जगन्नाथ दास आदि ने अनेक पदों की रचना की। दक्षिण भारत के भक्त कवि व गायक क्षेत्रज्ञ ने हजारों पदों की रचना की। कृति हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल के समान है। कर्नाटक संगीत में कृति का वही स्थान है जो हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल का है। राग विस्तार की इस स्फोट रचना में स्वर का प्रमुख तथा साहित्य का गौण स्थान रहता है। कृति गायन के लिए संगीत के गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः इसका गायन साधारण कलाकार के लिए अत्यंत दुष्कर है। कृति के न्यूनतम 3 खंड पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम होते हैं। कृति के अंतर्गत चिट्टे स्वर, राग प्रदर्शक, स्वर संगतियाँ, स्वर साहित्य तथा गमक का भी समावेश रहता है। कृति के गायन में इन सभी का क्रमानुसार गायन होता है। उत्तर भारतीय संगीत की गायन शैली ख्याल के समान ही इसमें भी बोल आलाप बोल ताने ली जाती है जिन्हें नेरवाल कहते हैं। इसका गायन मध्य तथा द्रुत लय में ही किया जाता है। कर्नाटक संगीत में संत त्यागराजा, मृत्युंजय स्वामी, दीक्षिता, स्वाति तिरुनाल की रचित कृतियाँ बहुत सम्मान से गाई जाती है। कीर्तनम दक्षिण भारतीय संगीत में कीर्तनम गीत शैली का स्थान स्वरूप ही है। कीर्तनम भक्ति रस प्रदान गीत शैली है। इस गीत शैली का विकास प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत के भक्त कलाकारों द्वारा होता रहा है। इस गीत शैली में 3 मुख्य खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम। कीर्तनम सरल और प्रचलित रागों में निबद्ध होते हैं। उनके गायन शैली भी सरल और भावमय होती है। कीर्तनम के प्रथम रचयिता ताल्लला पाकम 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। इनके अतिरिक्त दक्षिण संगीत शैली की त्रिमूर्ति स्वामी, त्यागराज, मृत्युंजय स्वामी, दीक्षितर, श्याम शास्त्री को ही प्रमुख कीर्तनकारों में स्थान प्राप्त है। इनके अतिरिक्त पुरंदरदास, स्वाति तिरुनाल, मैसूर सदाशिव अय्यर, गोपाल कृष्ण भारती को भी प्रमुख कीर्तनकारों में स्थान प्राप्त है। राग मालिका दक्षिण भारत में प्रचलित गीत शैली है। राग मालिका में गीत के विभिन्न खंडों को भिन्न भिन्न रागों में गाया जाता है। इस गीत शैली के विभागों में अलग अलग रागों के नाम व उनकी स्वर सुरावलियाँ निबद्ध रहती है। इस गीत शैली में पल्लवी, अनुपल्लवी नामक 2 खंड होते हैं। अनुपल्लवी के गायन के पश्चात रचना में प्रयुक्त रागों में चिट्टे स्वर गाए जाते हैं। उनको बहुत कुशलता से पल्लवी के राग में मिलाया जाता है।
जिन स्वर समूह के माध्यम से दो रागों को मिलाया जाता है उन्हें मुकुट स्वर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत में पंडित वेंकटमखी, मृत्युंजय स्वामी दीक्षित, स्वाति तिरुनल आदि ने अनेक राग मालिकाओं की रचना की। तिल्लाना गीत शैली उत्तर भारतीय संगीत की तराना गीत शैली से साम्य रखती है। तिल्लाना गीत शैली दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित चमत्कारिक गीत शैली है। यह द्रुतलय में गाई जाने वाली गीत शैली है। तिल्लाना गीत की बंदिश की रचना, उसका विस्तार मृदंग नामक दक्षिण भारतीय ताल वाद के बोलों से किया जाता है। इन बोलों को चिट्टे स्वर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत में स्वाति तिरुनल, मुतैया भगवतर आदि के रचित तिल्लाना बहुत प्रसिद्ध है। जावली इस दक्षिण भारतीय गीत शैली की तुलना उत्तर भारतीय ठुमरी नामक गीत शैली से की जाती है। जावली शब्द कर्नाटक भाषा के जावल शब्द से उत्पन्न माना गया है, जिसका अर्थ है श्रृंगार। जावली श्रृंगार रसमय गीत शैली है। इस गीत में एक पल्लवी तथा दो या तीन चरणम होते हैं। इसके गायन में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठुमरी गीत शैली की ही भांति स्वर वैचित्र्य का प्रयोग जावली की विशेषता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो तो समा, एक छोटी सी कोशिश।